तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। पिताजी मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बाइक स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी मेरा फोन बजा। देखा तो रोहित का फोन था। पहले से ही बिगड़ा हुआ मेरा मूड अब और बिगड़ चुका था। मैंने गुस्से में फोन कट कर दिया। तुरंत ही फिर से मेरा फोन बजा। मैंने फिर से कट कर दिया। मैं कट करता जा रहा था, वो लगाए जा रहा था। अगली बार मैंने गुस्से में फोन रिसीव कर लिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उधर से घबराए हुए स्वर गूंजे, मुझे माफ कर दो नीलकंठ। देखो रोहित, तुमने जो कल किया है ना, उससे मेरा मूड काफी खराब है। मैं पटना निकल रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ सफाई में कहना है तो कृपया मेरे इस एकेडमिक नाम से कम ना बुलाओ, मुझे पसंद नहीं है ये। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो देव। और प्लीज पटना मत जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है तुम्हें। इसके लिए काफी देर हो चुकी है रोहित, तुम खुद इसके लिए जिम्मेवार हो। पिताजी नीचे इंतजार कर रहे हैं, बाद में मिलते हैं। तभी रोहित बोला, सुनो सुनो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि आज चले जाओगे तो समझना ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात होगी। उधर से रोते हुए रोहित बोला, ये क्या बकवास है, अब ये इमोशनल ड्रामा अब बंद करो प्लीज। कसम खाकर कहता हूँ, मेरे पास समय कम है, रुक जाओ प्लीज। जरा खुलकर बताओगे, कल मेरे घर पर आ जाओ, सब बताता हूँ। मैं काफी उलझन में था अब। कुछ देर दोनों ओर मौन छाया रहा, फिर अचानक मैंने कहा, ठीक है फिर कल मिलते हैं श्री राधे। और उसने गुड नाइट कहकर उसने फोन रख दिया। अब पिताजी से क्या कहूं, सोचते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। रेडी हो गए चले? पिताजी मुझे देखते ही हेलमेट हाथ में उठाते हुए पूछे, वो मेरी तबीयत पता नहीं क्यों थोड़ी अजीब लग रही है, अंदर से बुखार सा आ रहा है, सोच रहा हूँ जाऊं कि ना जाऊं। मैंने अपना चेहरा गिराते हुए कहा, अरे क्या हो गया? चिंतित होकर पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा, फिर कुछ देर बाद बोले, रहने दो, आज टिकट कैंसिल कर दो। वहां इतनी दूर तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो कौन ध्यान रखेगा। हाँ रहने दो बेटा, बाद में कभी जाना, मेरा मन भी आज तुम्हें ना भेजने को हो रहा था। माँ ने भी पिताजी का समर्थन देते हुए कहा। मैंने अपने कपड़े बदले और बेड पर लेट गया। कल की प्रतीक्षा करते हुए सपनों की दुनिया में खो गया। ब्रह्म मुहूर्त होते ही मेरी नींद अपने आप टूट गई। फ्रेश होकर आदत अनुसार टहलने निकल गया। लौटकर जब घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। माँ पिताजी भी जाग चुके थे। रसोई से माँ हर दिन की भांति 3 कप कड़क चाय लेकर पहुंची। चाय पीकर शरीर में मानो स्फूर्ति सी छा गई। दिन की शुरुआत माँ के हाथों बनी चाय के बगैर अधूरा सा प्रतीत होता है। कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने के बाद स्नान ध्यान करके मैं रोहित के घर की ओर अपने बाइक से निकल पड़ा। वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो कोई उत्तर नहीं मिला। अब की बार थोड़ा जोर देकर जैसे ही खटखटाया, दरवाजा हल्के से भीतर की ओर खुल गया। संभवतः वह लोग था ही नहीं। अंदर एकदम मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे सामान इधर उधर पड़े हुए थे। अजीब सी दुर्गंध चारों ओर फैली हुई थी। मुझे उल्टी सी आने लगी। मैं रुमाल से अपनी नाक ढककर आगे बढ़ा। भीतर के एक कमरे में रोहित पेट के बल लेटा पड़ा था। मैंने आवाज लगाई पर उसने सुना ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब तो बिल्कुल भी शक्ति मुझमें नहीं बची है। घबराकर वह उठ बैठा और ऐसे ही अनगरल प्रलाप करने लगा। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा जो कभी आकर्षक था पूरा सूख गया था। जो शरीर कुछ महीनों पूर्व तक हष्ट पुष्ट व तंदुरुस्त था, आज एकदम सिकुड़ सा गया था। आंखें भीतर की ओर धंसने लगी थी। मुझे उसकी हालत पर तरस आ रहा था। मेरा सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। तुम आ गए देव, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, कहकर वह भावुक हो उठा। ये क्या अपना हाल बना रखा है भला, मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा।
लंबी कहानी है देव, चलो अपने चित परिचित स्थान पर वहीं बतलाऊंगा, उसने मुझे देख हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, जाओ पहले स्नान कर लो, चलते हैं, मैंने कहा। नहीं कर सकता, चलो मेरे साथ पहले, उसने कहा। क्यों, डरते हो पानी से? चलो पहले जाओ स्नान करो, अपनी हालत देखी है, मैंने जरा नाराज होते हुए कहा। डरता अवश्य हूं, पर पानी से नहीं, कुछ और से, रोहित बोला। किससे, मैंने पूछा। वही तो बतलाना है ना भाई, अब कुछ और ना पूछना, बस चलो मेरे साथ, रोहित गिड़गिड़ाया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैंने कहा और उसके साथ बाइक पर निकल पड़ा। रोहित से मेरी दोस्ती यदि बहुत पुरानी नहीं थी तो बहुत नई भी नहीं थी। ग्रेजुएशन के दौरान वह मिला था मुझसे, एक अच्छा क्लासमेट जो धीरे धीरे अच्छा दोस्त भी बन गया। अच्छा हाँ, खुद के बारे में तो बताना भूल ही गया मैं। अपने माँ बाप का एकलौता बेटा नीलकंठ, आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये नाम, पर क्या करें, हमारे पिताजी भगवान शिव के परम भक्त जो ठहरे, उनके ही आशीर्वाद से मेरा जन्म काफी दिनों बाद हुआ और जन्म के ही समय से मेरी गर्दन के बीच में हल्का नीला निशान है, तो उन्होंने मेरा नाम नीलकंठ रख दिया। हालांकि ये नाम मुझे खुद ही काफी अजीब लगता था और पिताजी के उलट मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में अधिक रमता था, जिससे समझकर मेरी माँ ने घरेलू नाम देव रखा। बचपन से ही मेरा मन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण व पाठ करने में रुचि लेता था। इसी का परिणाम था कि मैं हर रोज भागवत जी के एक अध्याय का पाठ कर वार्षिक अनुष्ठान किया करता था। ग्रेजुएशन बाद मैं पीजी में एडमिशन लेकर पटना चला गया था, पर मेरा यह नियम कभी ना कुछ दिनों पहले ही इस वर्ष का भागवत का पाठ विश्राम लिया था, जिसके उपलक्ष में मैंने हर वर्ष की भांति पूजन हवन व भंडारे का आयोजन किया था। इसमें रोहित भी आमंत्रित था, किंतु वह नहीं आया। मैंने कई बार फोन भी लगाया, पर कुछ देर में आने की बात कहकर वो हर बार टालता रहा। यही मेरे कल शाम के गुस्से का कारण था। हम दोनों अपने चित परिचित स्थान तक पहुंच गए। मैंने बाइक बंद की और उतरकर रोहित का हाथ थाम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सामने कोयल नदी, जो पूरे झारखंड विशेषकर पलामू जिले की प्राणदायिनी है, अपनी मध्यम जल राशि के साथ मंद गति से बह जा रही थी। किनारे पर लगे ताड़ के अनेकों विशाल वृक्ष सुंदर छटा बिखेर रहे थे। हम नदी के जिस किनारे पर थे, वहां से कुछ दूर आगे जाकर नदी एक त्रियक कोण सा बनाकर मुड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भगवान शिव के जटाओं में स्थित अर्धचंद्र स्वयं नंदी का रूप धारण कर लिया हो। कुछ ताड़ के वृक्ष नदी द्वारा नीचे की मिट्टी के कटाव के कारण नदी में ही झुक से गए थे, जिससे उनके नीचे हल्की छाया बन जाती थी। हम दोनों के मिलने का स्थान यही नियत रहता था, क्योंकि यहाँ एक शांति का अनुभव होता था। मैं रोहित को लेकर वहीं बैठ गया। सूर्योदय के कारण एक किनारे से आती हल्की सूर्य की रश्मियां, ऊपर से झुके ताड़, वृक्षों की छाया और नीचे कल कल बहती कोयल नदी हम दोनों को असीम आनंद की अनुभूति करा रही थी। कुछ क्षणों पूर्व तक तेजहीन रोहित का चेहरा भी अब हल्का सा खिल चुका था। काफी देर तक यूं ही मौन छाया रहा। तभी मैंने पूछा, अब बताओ क्या बात है? मैंने मौन तोड़ते हुए पूछा। कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा। पिछले 3 महीने से शुरू करो, क्योंकि उसके पहले तक मेरी बात तुमसे होती रही है और तब तक तुम बिल्कुल स्वस्थ थे। जब तुम पटना चले गए थे तो मैं अकेला पड़ गया था, एक लड़की पर क्रश था, पर जब उससे इजहार किया तो उसने मना कर दिया।
पापा बार बार कुछ काम धंधा देखने को कहते रहते थे। मैं पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुल मिलाकर काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था इस जिंदगी से। एक रात घर लौटते समय अचानक एक व्यक्ति मुझसे तेजी से दौड़ते हुए टकराया। मैं गिरते गिरते बचा। लगभग संभल कर देखा तो 4-5 खूंखार कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। मैं उठने को हुआ ही था कि सहसा मेरा ध्यान मेरे पास में पड़ी एक किताब पर गया। ऐसा लगा मानो कोई खींच रहा हो मुझे अपनी ओर। शायद उस व्यक्ति की ही ये किताब थी। मैंने उसे उठाया और जिस तरफ वे गए थे उस दिशा में दौड़ पड़ा। मैंने काफी देर चक्कर लगाया पर शायद वे दोनों काफी दूर निकल गए थे। थक हार कर अपने घर की ओर उसे हाथ में लेकर चल पड़ा। अपने रूम में पहुंच ध्यान से देखा तो उस किताब के नीचे का कुछ हिस्सा कीड़ों ने खा लिया था। बस ऊपर हेडिंग दिख रही थी, बाम तंत्र। अंदर के पन्नों पर मनचाहा प्यार दिला देना, पैसों की बरसात करा देना आदि ये सब लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों मैंने उसे अपनी अलमारी में सहेज कर रख दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैंने ध्यान से देखा पर लगभग सभी मंत्र आधे कट गए थे नीचे से। एक प्रयोग छोटा सा था जो सुरक्षित था। मैंने 1-2 बार उस वर्णित प्रयोग को करने की चेष्टा भी की पर असफल रहा, क्योंकि उसमें वर्णित प्रयोग शमशान की भूमि पर मध्य रात्रि में करने थे। एक बार तो वहां काम करने वाले डोम राजा ने मुझे पहचान लिया और डांट कर भगा दिया। दूसरी बार पापा ने जाते समय ही पकड़ लिया। जैसे तैसे उनके प्रश्न जालों को भेद कर बचा। कुल मिलाकर मैं और फ्रस्ट्रेशन में चला गया, किंतु मेरा मन इन्हीं सब चीजों में बार बार अब जाने लगा था। मैंने फिर इंटरनेट पर काफी सर्चिंग की, काफी साइट्स पर। एक साइट पर लगभग वही मिलता जुलता बामार्गी प्रयोग मिला, पर उसमें इसे घर पर भी करने की बात कही गई थी। मैं काफी प्रसन्न हो गया। उस समय मेरे घर पर पेंटिंग का काम चल रहा था, तो मैंने अपने कमरे को गुलाबी रंग से पुतवा लिया। फिर रात्रि को मैंने अपने कमरे में एक घी का दीपक जलाया और आसन डालकर बैठ गया। उस प्राचीन पुस्तक में दिए गए सिद्ध मंत्र का जाप करने लगा। मुझे 11 रात्रि प्रतिदिन 108 मालाएं पूर्ण करनी थी। अगली सुबह से मैंने नहाना बंद कर दिया, वस्त्र भी नहीं बदले। उच्छिष्ट भोजन जिसमें मैंने अपना मलमूत्र हल्का सा मिलाया था वही हल्का सा खा लेता था। मन में घिन सी उठती थी, किंतु मैं मनोवांछित कार्य पूर्ण हेतु कुछ भी करने को तैयार था। 4 दिन तक तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। 5वें दिन जब मध्य रात्रि को मैं आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर रहा था तो ऐसा महसूस हुआ मानो कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। शायद यह मति भ्रम है, ऐसा विचार कर मैंने पुनः अपना ध्यान मंत्र जाप पर केंद्रित किया, परंतु फिर वैसा ही महसूस हुआ। पूरी रात लगभग ऐसी ही अनुभूति होती रही। अगली रात्रि लगभग 1 बजे मुझे मेरे कमरे में कई परछाइयां दिखलाई पड़ी। मैं काफी भयभीत हो गया, पर मैंने जाप बंद नहीं किया, क्योंकि किताब के अनुसार चाहे कुछ हो जाए मंत्र जाप चलते रहना चाहिए था। बीच बीच में डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इतने दिनों तक मेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरे घर वाले पागल समझने लगे थे। कुछ दिनों पूर्व तक खाने के लिए कभी कभी जो वो पूछा करते थे उन्होंने बंद कर दिया था। अगली 3 रात्रियां शांतिपूर्वक बीत गई। हाँ, बीच बीच में वही बस फुसफुसाहट और आवाजें आती थी। 10वें दिन जब मैं आसन पर बैठा तो लगा कि मेरा कमरा जैसे कई लोगों से भरा हुआ है। जैसे जैसे समय गुजरने लगा मेरे कमरे में विचित्र आकृतियां जिनकी पहले परछाइयां दिखती थी वे अब सामने दृष्टिगोचर थे। मेरी सांसें तेज हो गई थी। किसी की 4 आंखें थी तो किसी की 1, किसी का धड़ सिरवहीन था तो कोई 4 टांगों वाला।
वे सब एक घेरा बनाकर अजीब सी आवाज लगाते हुए उछलते कूदते मेरी परिक्रमा सी करने लगे। तभी उनमें से किसी ने मुझे मेरी पीठ पर एक जोरदार लात मारी। मैं गिरते गिरते बचा। काफी दर्द हो रहा था मुझे। मेरी आंख में आंसू आ गए थे। मैं तो बस अपना काम बनाना चाह रहा था, किंतु ये मैं कहां फंस गया। फिर भी मैंने मंत्र जाप जारी रखा। सहसा एक भयंकर हंसी सुनाई दी। उस अट्टहास को सुनते ही वे सारे अजीब प्राणी रोने से लगे और उनमें अफरा तफरी सी मच गई। एक एक कर वे सभी जिस भांति प्रकट हुए थे उसी भांति चले भी गए। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली कि तभी ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा कमरा हिलने लगा। कुछ देर शांति छाई रही, पर कुछ क्षणों बाद वही विचित्र और भयंकर हंसी दोबारा सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप करने लगा। कुछ क्षणों बाद मेरे बाएं गाल पर किसी के नथुनों से छोड़ी हुई गर्म सांसों की अनुभूति हुई। वे सांसें इतनी तीक्ष्ण थी मानो मेरे गालों को चीर डालेगी। घबराकर जब मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो मेरे प्राण सूख गए। ऐसा क्या देखा तुमने? मैंने आश्चर्यचकित हो पूछा। एक अति भयंकर वर्णा अर्धनग्न राक्षसी मेरे बगल में खड़ी थी। उसके रक्त से सने बिखरे हुए बाल फरस तक आ रहे थे। दो भुजाएं थी जिसमें से एक भुजा में एक मानव का कटा हुआ सर था जिससे अभी तक ताजा रक्त टपक रहा था, और दूसरी भुजा में लंबी कटार थी जो मानव रक्त से भीगी हुई थी। बस यही वो जोर जोर से सांस लेते हुए कह रही थी। मेरा पूरा कमरा रक्त और मांस की बदबू से भर चुका था। मेरा सांस ले पाना भी मुश्किल हो चला था। तभी उसने अपना पांव बढ़ाया और धीरे धीरे चलते हुए मेरे पीछे खड़ी हो गई। मेरा डर के मारे बहुत बुरा हाल था और इसी से जाप रुक गया था। कुछ क्षणों तक वो यूं ही खड़ी रही और हुंकार भरती रही। मैंने मंत्र जप पुनः प्रारंभ कर दिया। वो पुनः धीरे धीरे बढ़ी और एक परिक्रमा से मेरी लगा मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरा मंत्र जाप अब पूर्ण हो गया था। सहसा उसने अपनी कटार आगे बढ़ाई और मेरी बाईं भुजा पर उसे रख दिया। धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर बढ़ाने लगी। उसकी कटार इतनी तीक्ष्ण थी कि हल्का सा स्पर्श होने के बावजूद मेरी बाईं भुजा को उसने पूरा लहूलुहान कर दिया था। अब मैं समझ चुका था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। मैं पसीने से तर बतर था। तभी उसने अपना कटार तेजी से अपनी ओर खींचा और भयंकर अट्टहास किया। मैं मृत्यु को वरण करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर चुका था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने अपनी आंखें खोल लगभग चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम? प्रत्युत्तर में दोबारा वही भयंकर अट्टहास गूंजा और उसने कहा, मैं यक्षिणी हूं।